UIDAI का फंक्शन इट इज मैंडेटेड टू असाइन ए ट्वेल्व आइडेंटिफिकेशन नंबर और आधार टू ऑल द रेजिडेंट्स इंडिया में जितने रेजिडेंट्स हैं, सबको 12 डिजिट का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर या फिर आधार नंबर अजाइन करना यू का, का काम है और ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आता है इतना क्लियर है नौ no. यू आई डी ए आई हैज बीन ए टॉप परफॉर्मर इन रेसोल्यूशन ऑफ पब्लिक ग्रीवियंस रिसीव थ्रू सी पी ग्राम्स तो देखिए सीपी ग्राम्स क्या है सी पी ग्राम्स का फुल फॉर्म है सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवियंस एड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम अगर कोई भी सिस्टम के अगेंस्ट सिटीजन्स का कंप्लेन है तो सी पी ग्राम्स के थ्रू वो कंप्लेन फाइल कर सकता है तो हमारे जितने कंप्लेन है या ग्रीवियंसेस है उसका रेसोल्यूशन हमें सीपी ग्राम्स के थ्रू मिल जाएगा ठीक है देखिए पब्लिक ग्रीवेंसल इज वन ऑफ द फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स फॉर द रिफॉर्मेशन इन गवर्नेंस स्टार्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू एड्रेसिंग द द्रीवेंस ऑफ जनरल पब्लिक ये जून 2007 में क्रिएट हुआ था बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस तो आधार से रिलेटेड पब्लिक का जितने ग्रीवेंसेस उसे यू टाइम पर रिजोल्व करके दिया है इसलिए यू आई डी ए आई हैजीन ए टॉप परफॉर्मर इन रेसोल्यूशन ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस तो रिसीव किए थे उसे रिजोल्व करने में यू सबसे टॉप परफॉर्म किया है अगला है प्रधानमंत्री किसान समर्थी केंद्रास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिक्स प्रधानमंत्री किसान समर्थी कैंट्रास इनोग्रेट किया है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइज देखिये प्रधानमंत्री किसान समर्थिकास मतलब बेसिकली फर्टिलाइजर शॉप से दोस्तों जिसके थ्रू फर्टिलाइस सेल किया जाएगा तो गवर्नमेंट का प्लान है थ्री पॉइंट टू फाइव लाख फर्टिलाइजर शॉप खुलने का देश भर में ठीक तो है फार्मर्स। किसान समर्थी केंद्र से नाउ दिस प्रोवाइड सोइल टेस्टिंग एंड अवेल यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट फार्मिंग टेक्निक्स तो देखिए दोस्तों फार्मर्स के लिए एक वन टाइम सोल्यूशन होगा उन्हें फर्टिलाइजर मिल जाएगा सीड्स मिल जाएगा सोइल टेस्टिंग उधर हो जाएगा और

ये फर्टिलाइजर की क्वालिटी इंश्योर करेंगे और उसकी अवेलेबिलिटी भी अगला है इंडिया फास्ट इमर्जिंग ए वेब नाउ दिस इज एमर्जिंग वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज वेब थ्री क्या है वेब इज ए न्यू इटरेशन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब हैज नाउ बिकम ए हासमर्ड इनिंग कॉन्सेप्ट टेक्नोलॉजी मेटावर्स नॉन फंजिबल टोकन एक्सेट्रा नाउ आजकल का लेटेस्ट एंड पॉपुलर कॉन्सेप्ट या टेक्नोलॉजी है दोस्तों एक तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिसके बेसिस पर ये क्रिप्टो करेंसी वगैरह काम करते हैं फिर मेटावर्स के बारे में आपको पता होगा मेटावर्स क्या है मेटावर्स एक वर्चुअल रियलिटी इन्वायमेंट है बेसिकली लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकता है एक कंप्यूटर जनरेटेड इन्वामेंट के थ्रू इसे आप मेटावर्स बोल सकते हैं ठीक है थीके? तो रिसेंटली फेसबुक ने अपना नाम भी चेंज किया था आस मेटा प्लेटफॉर्म्स ये आपको पता होगा बेसिकली फेसबुक भी आने वाले टाइम पर यह मेटावर्स टेक्नोलॉजी को अडोप्ट करेंगे ठीक है

तो ये तीनों जो कॉन्सेप्ट है ब्लॉक चेन फंजिबल टोकन ये तीनों को इनकोपरेट करने का एक बस वर्ड है या फिर एक टेम है दोस्तों वेब थ्री गए तो वेब थ्री मतलब इसमें तीन कॉन्सेप्ट आता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मेटावर्स और नॉन फंजिबल टोकन आप ध्यान दीजिएगा तो न्यूज क्या आया है इंडिया हैज हाँ ए रैपिडली ग्रोइंग वेब थ्री इकोसिस्टम

जिसका वैल्यूएशन हंड्रेड सॉरी वन बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा है यह है यूनिकॉर्न कंपनीज ठीक है तो ये 450 प्लस स्टार्टअप्स में चार यूनिकॉर्न कंपनी भी है और देखिए 2021 और 22 के बीच में इंडिया रजिस्टर्ड मोर देन 170 न्यू वेब थ्री स्टार्टअपिंग ओवर 50 परसेंट सी ग्रोथ सिंस 2015 तो देखिए सीएजीआर ग्रोथ क्या है कॉम्पोन्डेड एनुअल ग्रोथ रेट मतलब दो तीन साल का अगर आप एवरेज ग्रोथ रेट देखोगे उसे आप सीएजीआर बोलते हैं तो इंडिया में 2021 और 22 के बीच में 170 से ज्यादा वेब थ्री स्टार्टअप रजिस्टर किया है जिसका 50 परसेंट से ज्यादा सीएजीआर ग्रोथ रहा है अगला है 2022 थाउजेंड ट्वेंटी टू मरसर सी एफ ए इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स सर्वे दैट इज एम सी जी पी आई ये रिसेंटली रिलीज हुआ था ये क्या है दोस्तों ये बेसिकली दुनिया भर के पेंशन सिस्टम्स को असेस करते हैं बेसिकली एक एक कंट्री का रिटायरमेंट इनकम सिस्टम्स क्या है उन सिस्टम्स का शॉर्ट कमिंग्स क्या है उसे बेहतर बनाने के लिए और सस्टेनेबल रिटायरमेंट बेनिफिट्स सिटीजन के लिए प्रोवाइड करने के लिए क्या, क्या क्या किया जा सकता है ये सब असेस करते हैं और रिकमेंड भी करते हैं एम जो है तो लेटेस्ट इंडेक्स में टॉप पोजिशन में है आइसलैंड सेकेंड नैथरलैंड्स थर्ड एंड डेनमार्क तीनों यूरोपियन कंट्रीज है सबसे वर्स्ट परफॉर्मर है दोस्तों थाईलैंड

अगला है द इंडिजीनियस बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट एच टी टी फोर्टी से टू बी एक्सपो तो चल रहा है ये बात आपको मालूम है है कहां पे चल रहा गांधीनगर गुजरात तो इंडिजीनियस बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट एच टी टी फोर्टी एच टी टी फोर्टी का फुलफॉर्म है हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर फोर्टी जिसे हिंदुस्तान एयरॉटिक्स लिमिटेड ने डेवलप एंड मैन्युफैक्चर किया था तो उसको अनवील किया है दोस्तों ठीक है नाउ सेवेंटी परसेंट ऑफ एच टी ऑफ इंडिजिनियस इंडियन कंटेंट ठीक है तो इस एयरक्राफ्ट में जितने कंटेंट्स यूज किया है उसमें सेवनटी परसेंट इंडियन कंटेंट्स है ठीक है ऑलरेडी हमारे देश में सेवेंटी फाइव टू ट्रेनर्स ऑपरेशन है तो इसी को ज्वाइन करेंगे दोस्तों एच टी टी फोर्टी जब ये अक्योर हो जाएगा तो ध्यान दीजिएगा एच टी टी फोर्टी दैट इज हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर फोर्टी

That once कोई भी organic material का एज आप पता कर सकते हैं कार्बन डेटिंग मैथड से ऑर्गेनिक मतलब मतलब मेटीरियल अगर लिविंग नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पर कभी ना कभी वो लिविंग रहना चाहिए इस तरह के मेटीरियल का एज आप पता कर सकते हैं कार्बन डेटिंग मैथर्स से फॉर एग्जाम्पल रॉक्स का वो कोई ऑर्गेनिक मेटीरियल नहीं है इसलिए आप कार्बन डेटिंग से एज पता नहीं कर सकते हो ओनली ऑर्गेनिक मेटीरियल का एज आप पता कर सकते हैं किससे कार्बन डेटिंग मेथड से ऊपर से एज ऑफ थिंग्स दैट आर मोर देन टू ओल्ड कैन नॉट बी एट थ्रू कार्बन डेटिंग जो चालीस हजार से पचास हजार साल पुराना है ना या उससे ज्यादा पुराना है उसका एज भी कार्बन डेटिंग मेथड से आप प्रिसली बता नहीं पाओगे वैसे कार्बन डेटिंग मेथड काम कैसे करता है यह मैं आपको बता देता हूं देखिए हर एक लिविंग थिंग्स में कार्बन रहते हैं अलग-अलग फॉर्म्स -अलग में अब कार्बन का एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है दोस्तों कार्बन 14 जिसका एटॉमिक मास है 14 इसलिए कार्बन 14 या C14 बोलते हैं ठीक है नाउ ये जो C14 है ना ये डीके होता है डीके रेट क्या है 5730 इयर्स में ये आधा डीके होता है मतलब 50% डीके होते हैं अगर एक ऑर्गेनिक मटेरियल में C14 50% डीके हुआ है इसका मतलब क्या है कि वो ऑर्गेनिक मटेरियल 5730 इयर्स पुराना है इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों फिर उसका आधा लेना है फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं इधर देखिए नंबर ऑफ हाफ लाइव्स इलैप्सड अगर 1 है तो 1/2 फ्रैक्शन रिमेनिंग है मतलब 50% रिमेनिंग है अगर 2 है मतलब 2 हाफ लाइफ अगर इलैप्स हुआ है मतलब 5730 2 है तो ये 1 by 2 का आ था मतलब वन बाई फोर हो जाएगा मतलब ट्वेंटी फाइव परसेंट हो जाएगा फिर और एक हाफ लाइफ एलाब्स होने से मतलब और एक फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड थर्टी होने से वो वन बाई एट हो जाएगा मतलब ट्वेल्व पॉइंट फाइव फिर उसका आ था फिर उसका आ था फिर उसका आ था तो इसी तरह जाएंगे समझ गया ना आप तो ये है कार्बन डेट अब थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया होगा और एक बार में बता देता हूं देखिए हाफ लाइफ कितना है फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड थर्टी है देखिए अगर C14 फोर्टीन आधा बचा है मतलब 50 परसेंट बचा है इसका मतलब यह है इतना पुराना है अगर 1 बे फोर बचा है मतलब 25 परसेंट बचा है तो इसका मतलब क्या हो गया इन टू टू फिर अगर 12.5 परसेंट बचा है C14 इसका मतलब यह है अब और एक 5730 ऐड करो फिर अगर वन 16 सिक्सटीन दैट इज सिक्स बचा है फिर आप और एक ऐड करो समझ गए तो इसी तरह जाएंगे ये होता है कार्बन डेटिंग पर इसका एक लिमिट है दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया मैक्सिमम फोर्टी थाउजेंड या फिफ्टी थाउजेंड ईस तक का ही आपसे आप ध्यान दीजिएगा अगला है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मां अमृतम स्कीम देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आयुष्मान कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया है टू द बेनिफिशरी ऑफ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मां अमृतम दैट दट इजीएम स्कीम इन गुजरात देखिए आयुष्मान पी वी सी कार्ड दिया है दोस्तों जैसे कि जो ए टी एम कार्ड जैसा रहता है ना पी वी सी का पोलीविन क्लोरेड वाला कार्ड आजकल दे रहा है हर एक स्कीम में तो वही दिया है ठीक है ये फाइव मिलियन बेनिफिशरीज को दिया गया अंडर द गुजरात पी एम जे ए वाई एम एस स्कीम नाउ टू थाउजेंड नाइनटीन में सेंटर का जो पी एम जे ए वाई स्कीम है ना बेसिकली प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विच प्रोवाइड्स हेल्थ केयर सर्विसेज टू इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड एरियाज देखिए इकोनॉमिकली डिसेज लोगों के लिए या एरियाज के लिए पीएम जे प्रोग्राम लेके आया था हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इसके अंदर ठीक है आपने आयुष्मान भारत के बारे में सुना होगा बेसिकली एक टाइप का इंश्योरेंस स्कीम है एक फैमिली को पांच लाख का इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में और एम्पैन हॉस्पिटल्स में भी तो गुजरात ने क्या किया था मुख्यमंत्री अमृतम करके गुजरात का ऑलरेडी एक हेल्थ केयर प्रोग्राम था और मुख्यमंत्री अमृतम वारसल्या भी था इन दोनों को पीएम जे के साथ मर्ज किया था देखिए आयुष्मान भारत पीएम जे वाई लार्जेस्ट इंश्योरेंस स्कीम है दोस्तों दुनिया का हर एक फैमिली को 5 लाख तक का इंश्योरेंस मिलता है ये सबको नहीं मिलेगा ठीक है इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है जैसे कि आप बिलो पॉवर्टी लाइन का होना चाहिए आपका इनकम इतना होना चाहिए ठीक है अलग अलग क्राइटेरिया है नौ फाइनल न्यूज टू बुकर प्राइस देखिए शेहान करुण तिलका रिसेंटली रिसीव टू बुकर प्राइस फॉर हिज नॉवल द सेवन मून ऑफ माली अलमेडा ठीक है नौ पहला श्रीलंकन कौन थे दोस्तों जिनको बुकर प्राइस मिला है वो था माइकल ऑंडार्जे उनको 1992 में मिला था फॉर वर्क द इंग्लिश पेशेंट बुकर प्राइज क्या है दोस्तों एक लिटरेरी प्राइस है जो हर साल कन्फर किया जाता है टू रिक्स द बेस्ट नॉवल रिटर्न इन इंग्लिश पब्लिश्ड इन यूके और आयरलैंड ध्यान दीजिएगा देखिए कोई भी कंट्री से रिसिपियन हो सकता है केवल नॉवल इंग्लिश में लिखना चाहिए और यूके और आयरलैंड में पब्लिश भी होना चाहिए दिस इज द बेसिक क्राइटेरिया पहले ऐसा नहीं था पहले केवल कॉमनवेल्थ कंट्रीज आयरलैंड एंड साउथ अफ्रीका को कंसिडर किया जाता था कॉमनवेल्थ कंट्रीज मतलब क्या होता है जो पुराने ब्रिटिश एम्पायर कंट्रीज जितने हैं ठीक है पर आजकल ऐसा नहीं है दोस्तों कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज नॉवल को कंसिडर किया जाता है अब आपको ध्यान रखना है बुकर प्राइस और इंटरनेशनल बुकर प्राइस अलग है इंटरनेशनल बुकर प्राइस किसको मिला था आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ये बुकर प्राइस है वैसे मैं आपको बता ही देता हूं दोस्तों इंटरनेशनल बुकर प्राइस जो है ना वो कोई भी लैंग्वेज का नॉवल को दे सकते हैं बस यही क्राइटेरिया है उस नॉवल को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहिए तो ओरिजिनल ऑथर को भी दिया जाता है एंड ट्रांसलेटर को भी दिया जाता है लास्ट ईयर एक इंडियन को मिली थी उनका नाम बताइए आप